कैसे हैं आप सभी। करंट अफेयर्स को लेकर देखिए, लगातार मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आप सभी की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में, तो आपका भी बस प्रयास यही होना चाहिए कि इन वीडियोस को लगातार देखें, कंटिन्यू देखें। और देखिए, एक जो डाउट अगर है अगर आपको कि सर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्या वो किस एग्जाम के ओरिएंटेशन को लेकर है, दो यहाँ पर तीन मुझे कमेंट इसको लेकर के आए और अच्छी बात है आप चीजें पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर ये कर दूं कि देखिए यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के एग्जाम के जो पैटर्न है थोड़े से अलग है। यूपीएससी जहां पर आपको एनसीक्यू वाइज क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहीं आपको यूपीपीएससी जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको हो सकता है यूपीपीएससी वाले बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर सारी चीजें थोड़ी ज्यादा बताई जा रही हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, जो आपको कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में पूछता आपको वन लाइनर है, चार पांच चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन किसी भी टॉपिक में जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो फैक्चुअल डेटा है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक जैसे मैंने आपको पढ़ाया किसी संगठन के बारे में, ठीक है, कोई संगठन चर्चा का विषय है, उसने कोई कॉप या कोई सम्मेलन यहाँ पे हो रखा है, अब वहां पे क्या पूछेगा ये डिफाइन अप नहीं है, हो सकता है उसकी थीम पूछ ले, आयोजन कहाँ हुआ, स्थल कहाँ हुआ, या उसने क्या यहाँ पे कोई सी क्या लक्ष्य बनाए गए या उद्देश्य क्या है, वो कौन सा डेटा पूछेगा क्वेश्चन में, ये कुछ क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेलिंग में दे रहा हूं, लेकिन डिटेलिंग में हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है, यूपीपीएससी में फैक्ट पूछेगा और कोई एक ही चीज पूछेगा, ठीक है, लेकिन यहीं पर यूपीपीएससी में आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि पूछेगा का ये आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, ये आप यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ यही चीजें पूछी जाएंगी। लाइक कोई सम्मेलन हो रहा है, मैं आपको ये नहीं बता, सिर्फ इतना नहीं पढ़ा सकता कि ये सम्मेलन हुआ यहाँ पे हुआ, दैट्स इट, अगर ऐसा भी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो सकता। थीम पूछी जा सकती, सम्मेलन क्या हुआ, उद्देश्य क्या हुआ, कौन कितने उसमें सदस्य आते हैं, ऐसा किसी भी योजना कोई भी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन इन्हीं चीजों को ध्यान में रखे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये चीजें भूल जाइए कि यहाँ पर शायद ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पहलू है। इसलिए यूपीएससी का जो बच्चा है आईएएस का एग्जाम दे रहा है वो भी, उसके लिए भी यहाँ पे सफिशियंट कंटेंट है, और यूपीपीएससी का जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो भी यहाँ पे सफिशियंट कंटेंट है। आपके लिए जो डेटा बेस्ड चीजें आपको पूछी जा रही है वही यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, मैं आपको जीएस का जो भी इंटर रिलेटेड बन रहा है या कोई कोई टॉपिक जो जुड़ा हुआ है उसका जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इसे बहुत ही डायमेंशन के कई सारे डायमेंशन को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं, और इसलिए बस आपको यहाँ पर बाकी टेंशन छोड़ दो कि यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा, यहाँ पर हमारी रिसर्च जो है वो एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही, इसलिए आप बस यहाँ पर एक काम करिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर आ रहा हूँ वहां पर बस आपको उस चीजों को पूरा पढ़ना है, पूरी वीडियो को देखना है, और एक बार नहीं आप एक बार से ज्यादा देखो, ठीक है, एक बार से ज्यादा चीजें देखो वहां पर, आपको पढ़िए, आपको उस डेटा को ध्यान में रखिए, उनके प्रॉपर वे में उसका रिवीजन करिए, और डेली बेसिस पे जो आपको वीडियोज आ रहे हैं उनको डेली देखना है, 5 से 6 घंटे का टाइम निकाल लो डेली वहां पे देखो, उसके बाद उस एक टाइम और निकाल लो, अगले दिन सुबह का एक टाइम निर्धारित कर लो, जैसे शाम को आपको 5 से 6 आपने देख लिया, अगले दिन सुबह आप 8 से 9, 9 से 10 या 6 से 7 उठ के यहाँ पर 1 घंटे फिर से इसी वीडियो को देख लो, कम से कम आपको 2 बार 3 बार अगर आप एक वीडियो को देख लोगे तो उससे आपकी रिवीजन का जो प्रोसेस है वो भी साथ साथ हो जाएगा। ये भी यहाँ पे रहेगा कि आपको क्या चीजें पूछी गई और क्या चीजें नहीं पूछी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाईलाइटेड पॉइंट है, कौन से टॉपिक चीजों को हमें पढ़ना है, और उसका फायदा ये होगा जैसे मैंने आपको कहा है कि जीएस में उन्हीं चीजों को लेकर स्टडी भी करनी है, ठीक है, वैसी टॉपिक का रिविजन जीएस में भी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ज्योग्राफी को लेकर कि यह हमारा अंतिम वीडियो है, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट को लेकर जो भी हम सीरीज यहाँ पर आपको स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पर यह अंतिम वीडियो है, इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो सीरीज में क्या है। देख कुछ भौगोलिक चीजों को हमने कहा है कि जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें वहां पे मैप के थ्रू चीजों को स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो चित्रात्मक शैली में आपको याद रह जाती हैं, और इसका फायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीजें हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं उसी में हम इमेजिन या इन्फोग्राफिक डेटा जो होता है करंट के थ्रू हम आपको दे रहे हैं, बस इसको आपको ध्यान से देखते चलना। देखिये यहाँ पे कुछ आपको रामसर साइट जो चर्चा का विषय रही है, हमने आपको पढ़ाया भी था एनवायरमेंट के जो टॉपिक में वहां पर की इंडिया में कुछ नई रामसर साइट्स को पिछले 1 साल में यहाँ पर शामिल किया गया है, तो वहां पर देखिए कौन कौन सी थी, उसको हमने दिखाया नहीं था, वो यहाँ पर आपको एडिट करके लेकर आए हैं हम यहाँ पर। टोटल हमने बताई थी कि वहां पर आपको जो टोटल साइट्स हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर है, किस राज्य में है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको, लेकिन पढ़ जरूर लेना है। देखिए यहाँ पे जो एरिया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर देखिए सैलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, हाईगैम और वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में है। एमपी में आप देखिए तो यहाँ पे 3 है, यशवंत सागर,
सिरपुर वेटलैंड और साक्या सागर वेटलैंड। इसी तरीके से महाराष्ट्र में थाने क्रीक है, गोवा में नंदा लेक है, वहीं आपका कर्नाटका में देखा जाए तो रंगन थिप्टू बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपको शामिल है। मिजोरम में देखें तो पाला वेटलैंड है, तो वहीं आप देखें ओडिशा में तो आपको चार यहाँ पर वेटलैंड्स हैं, जिसमें टेम्पारा लेक है, हीराकुंड रिजर्व है, अनसुपा लेक है और सतकोशिया गॉर्ज है यहाँ पे। ये चार आपके ओडिशा में है। तमिलनाडु में देखें तो अच्छे खासे यहाँ पर पूरे टोटल आप देखें तो 13 आपको कह सकते हैं वेटलैंड्स आपको जो है तमिलनाडु में यहाँ पे शामिल किए गए पूरे रामसर साइट्स के अंतर्गत, जिसमें देखा जाए तो सुचिंद्रम सुचिंद्रम यहाँ पे थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वडूवर बर्ड सेंचुरी है, कांजी रन कुलम कांजीरंगम कुलम बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर, चित्रंगुड़ी बंद बर्ड सेंचुरी है, पिच्चावरम मैंग्रोव है और पालिकनारी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है। इसी तरह का उदयान स्थलम सॉरी उदयामार थंडमपुरम बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी है, वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, गल्फ ऑफ मन्नार मनी मरीन बायो रिजर्व है और कुंथक्कलुम बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपका रामसर साइट्स के अंतर्गत यहाँ पर आपको शामिल की गई, इनका मैप जरूर ध्यान रखिएगा कौन सी सेंचुरी यहाँ पर कहाँ पर। इसी तरीके से देखिए कुछ भारत में घोषित जैव विविधताओं को लेकर भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है, तो इनके बारे में देख लीजिए कौन सी जैव विविधता किन किन क्षेत्रों में आपको देखी गई है। जैसे हिमाचल का यहाँ पर आप क्षेत्र देखेंगे, हिमाचल के क्षेत्र में देखिए बर्च जो पाइन वन क्षेत्र है, नैन बहर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, हुडन भटोरी और सुरल भटोरी मॉनेस्ट्री में स्थित एक पवित्र उपवन, ये आपका एक जैव विविधता का क्षेत्र यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में घोषित किया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अमरकंटक का क्षेत्र जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली कह सकते हैं श्रृंखला के मध्य यहाँ पर आपको स्थित है मैकाले पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे नैरो हिल्स और पाताल कोट जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको इस जैव विविधता के अंतर्गत संरक्षित है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इसी तरीके से आपको कुछ क्षेत्र यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं जैव विविधता के अंतर्गत, जिसमें ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली बम्बोर्डे मिरिस्टिका स्वैम्प गणेश खिंड गार्डन लांडोर खोरी और सिस्तुरा हिरण्यकेशी। इसके अलावा कर्नाटक गोवा तेलंगाना तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र में भी आपको कुछ सारी जैव विविधता को संरक्षित किया गया है। जैसे कौन कौन से घोषित किए गए हैं तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक का जो रीजन में हम बात करें, कर्नाटक में देखिए तो नल्लूर इमली उपवन है या चोल राजवंश के संदर्भ में यहाँ पर है, स्मृति चिन्ह के रूप में यह काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा होगरे होनरे कान कुद्रेमुख और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य यहाँ पर वन्यजीव एक गलियारा है। इसके अलावा अंबर बुड्ढा जो सरावली वन्यजीव अभ्यारण और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण के बीच स्थित राजस्व भूमि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बांधी कृषि विज्ञान केंद्र कैंपस बेंगलुरु, ये भी क्षेत्र आपको इसके अंतर्गत आता है। गोवा में देखें तो पूर्वतली राय जो कि यहाँ पर आप रेड सर्कल में से आप देख सकते हैं, तेलंगाना में अमीरपुर झील है, तमिलनाडु में देखें तो अरेटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, इसके बारे में डिटेलिंग में हमने थोड़ा सा देखा भी था, केरल देखें तो आश्रमम आयुसीएन की लाल या रेड लिस्ट सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध, सियाजियम ट्रावन कोरियम के दुर्लभ और एंडेंजर्ड हेरिटेज वृक्ष यहाँ पर आपको पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को भी यहाँ पे संरक्षित घोषित किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, पूर्व और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को देख लें तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में मेघालय है, जिसमें अखलो कुर साइम कमलेंग जो का जो क्षेत्र है इसे आप घोषित किया गया है जैव विविधता के अंतर्गत, आसाम में माजुली हाजोंग कछुआ झील और बोरजुली वाइल्ड झील इसको यहाँ पे घोषित किया गया है, मणिपुर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डैलोंग गांव को यहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसी तरह त्रिपुरा के रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिलाचरी गुफाएं हैं, बेटालिंग शिव और उनके निकटवर्ती क्षेत्र हैं, उनाकोटी है, बारामुख जलप्रपात है, देवारी या फिर चाबी मुरा यहाँ पर आपको क्षेत्र है, ये सारे जैव विविधता क्षेत्र आपको देखा जाए। देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, मिलान करने को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है, या किसी एक क्षेत्र में कौन सा आता है या कौन सा नहीं सम्मिलित है ऐसा भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा में देखिये तो मंदासारू महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किए गए। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के क्षेत्र को यहाँ पर घोषित किया गया। सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के एरिया को भी यहाँ पर आपको देखें
तो दार्जिलिंग का वन प्रभाग के अधीन टोम्बलू जैव विविधता विरासत स्थल जो कि औषधीय पादप संरक्षण केंद्र के रूप में घोषित किया गया है। दार्जिलिंग वन प्रभाग के अधीन क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है और औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी हम इसे संरक्षित करते हैं। इसके अलावा बानेश्वर शिव विखी जो साइट्स के परिशिष्ट के तहत सूची में यहाँ पर आपको शामिल है, इसे ब्लैक कह सकते हैं फ्लेटशर टर्टल विल्सोनिया नाइन निकल्स का आश्रय स्थल के रूप में इसे हम जानते हैं जो कि यहाँ पे साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। और चिल्की खट कनक दुर्गा जो क्षेत्र है उसको भी यहाँ पर देखा जाए तो जैव विरासत स्थल है। ये सारे यहाँ पे सूचियां हैं, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको एक बार अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए। सारे यहाँ पे काफी सारे अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद आप देखिए भारत में सुर्खियों में रहे कुछ स्थलों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्र जो है कुछ अलग अलग कारणों से करंट में चर्चा का विषय बने और इसके कारण यहाँ पर ऐसे स्थलों के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड में यांती कुटी घाटी है जो कई हिमनदों की वृद्धि यहाँ पर आपको देखी गई। जलवायु के कारण परिवर्तनशील होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो समन्वय यहाँ पर आपको प्रदर्शित करती हुई दिखाई दी। इसी तरीके से अगर हम देखें गुजरात के क्षेत्र में तो वन्नी घास के मैदान पाए जो हैं ये गुजरात वन विभाग इसके 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है और गुजरात के कच्छ जिले में ये एशिया का सबसे बड़ा बेहतरीन घास का मैदान है। इसके अलावा मोरबी जो गुजरात में मच्छू नदी पर निर्मित केबल पुल यहाँ पर टूटा था जिसके कारण ये काफी चर्चा का विषय रहा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो मध्य प्रदेश का ये रीजन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप केन बेतवा लिंग परियोजना जो कि KBLP के नाम से हम जानते हैं इसके संचालन समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और यह नदियों के आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत यहाँ पर पहली परियोजना है। जैसे कि आप सब जानते हैं केन और बेतवा को यहाँ पे लिंक करने की बात चल रही है। इसी तरीके से पंबन पुल के बारे में आप सब जानते हैं, पंबन पुल देखा जाए तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम मासिनराम चेरापूंजी को भी देख लेते हैं, ये जून माह में पूरे देश के औसत से ज्यादा वर्षा एक दिन में यहाँ पर हो जाती है जिसके कारण ये सब सर्वाधिक इंडिया का कह सकते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार जो है वहां पे बैरन जो द्वीप है जो अंडमान निकोबार का प्रस्फुटन के संकेतों की जांच के लिए इसका बारीकी से यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है जो कि एकमात्र आप कह सकते हैं ज्वालामुखी प्रस्फुटन की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एकमात्र यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी तरीके से ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि विकास प्राधिकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है। झज भारत का यहाँ सबसे दक्षिण भारत का दक्षिणीय बिंदु है भारत का और इंदिरा पॉइंट यहीं पर आपको स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट आपको यहीं पर स्थित है जो कि ग्रेट निकोबार में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है। इसके अलावा भारत में सुर्खियों में रही कुछ नदियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं तो क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको नदियों से रिलेटेड जो करंट का चर्चा का विषय बनती हैं उन पर उन नदियों पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि चिनाब नदी को देख लें तो यहाँ पर पाकिस्तान ने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर यहाँ पर आपत्ति जताई थी तो चिनाब नदी के बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप देखें तो साबरमती नदी चर्चा का विषय बने क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर निर्मित अटल पुल का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखा जाए तो साबरमती नदियों की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें सेई वाकल हरनब हाथमती और पत्रक यहाँ पर आपको शामिल है। नर्मदा नदी जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आपको होकर यहाँ पर आपको गुजरती है, एक बड़ा हिस्सा इसका गुजरात में भी है। यहाँ पर आप देखें तो इसमें प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध से जल लाने के लिए भुंज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें बुढ़ेनर बंजार दुधी कुंडी हिरन होकोलार उगरी और हथनी इत्यादि यहाँ पर इसकी प्रमुख नदियां हैं सहायक नदियां हैं। देखा जाए यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी यहाँ पर है जो आपको देख सकते हैं जी थोड़ा सा यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के यहाँ पर छूती हुई आपको निकल जाती है। इसके अलावा वेदती नदी और वर्धा नदी जो कि यहाँ पे आपको कर्नाटक में आप देख सकते हैं दोनों नदियों के बारे में कर्नाटक के पर्यावरणीय समूहों ने वेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजना की यहाँ पे आलोचना की है। तो जिस तरीके से केन बेतवा लिंक को जोड़ने की बात की जा रही थी उसी तरीके से कर्नाटक में ध्यान रखिएगा वेदली और वर्धा इन दो नदियों को जोड़ने की बात की जा रही जो कि एनवायरमेंटल परिप्रेक्ष्य यहाँ पर इस पर आपत्ति जताई गई है।
इसके अलावा कामेंग नदी के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं, अरुणाचल और आसाम के क्षेत्र में आपको बहती हुई दिखाई देती है। विद्युत मंत्रालय ने इसमें 600 मेगावाट क्षमता के कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सॉरी हाइड्रो पावर स्टेशन यहाँ पे बनाया है और ये ब्रह्मपुत्र की यहाँ पर आपको प्रमुख सहायक नदी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुशियारा नदी है, ये कैबिनेट में बांग्लादेश के साथ इसके जल निकासी पर समझौता यहाँ पर ज्ञापन को मंजूरी दी गई है और ये बराक नदी की यहाँ पर एक शाखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसाम से होते हुए यहाँ पे आपको बांग्लादेश में ये एंटर कर जा रही है। इसके अलावा सुकापाइका नदी है, सुकापाइका जो नदी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगले 6 महीनों में इस नदी पर पुनरुद्धार करने का निर्देश दिया है। यह नदी महानदी की वितरिका शाखा से यहाँ पर रिलेट करती है। इसी तरीके से प्राणहिता नदी है जो कि यहाँ पे तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यों में यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। इस नदी तट पर प्राणहिता पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया। यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी यहाँ पे सहायक नदी है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि चर्चा का विषय रही हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। क्योंकि नदियां जियोग्राफिकल तौर से आपसे हमेशा देखा जाए तो कभी ना कभी क्वेश्चनेबल बनती हैं, पूछी जाती हैं, तो उनका आधार भी कई बार करंट ओरिएंटेड हो सकता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि करंट में ये चर्चा होने के कारण इन नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त आते हैं कुछ यहाँ पे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहली बार गुजरात सरकार ने 10 भारतीय भूरे भेड़ियों को एक संरक्षण प्रजनन केंद्र यहाँ पर वन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का कदम उठाया है और इसका उद्देश्य है कि वन्य जो है वो शाकाहारियों की आबादी को यहाँ पे नियंत्रित करना है। भारतीय भेड़िया प्रजाति जो है भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इसराइल तक फैले अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह भूरे भेड़ियों की यहाँ पर देखी जाए तो एक उपप्रजाति है। खतरा यहाँ पर क्या है कि इनको की पर्यावरण का नुकसान होने से विखंडन क्षरण प्रतिशोधात्मक रूप से मारना और रोगों के खतरा यहाँ पर इनके लिए प्रमुख समस्या रहती है। इन्हें IUCN की लीस्ट कंसर्न सूची में शामिल किया गया है। तो ये आप इंडिया का मैप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके आसपास का जो रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रीजन यह हाईलाइटेड है यहाँ पर आपको ये भूरे जो भेड़िए हैं इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। चलिए अगला यहाँ पर है, देखिए फ्रेडी चक्रवात। चक्रवातों के बारे में ध्यान रखिएगा, चक्रवातों से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। फ्रेडी चक्रवात देखिए 33 दिनों से यहाँ पे सक्रिय रहा और यह सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की ओर अग्रसर है। अभी तक देखा जाए तो यह रिकॉर्ड 1994 में हरिकून टाइफून जॉन के नाम था जो कि 31 दिनों तक यहाँ पे सक्रिय था। फ्रेडी चक्रवात दीर्घावधि तक सक्रिय बने रहने का जो प्रमुख कारण है उसका महासागरीय सतह जो होती है उसका गर्म रहना है और इसके अलावा चक्रवात अभी तक जमीन से बहुत अधिक संपर्क यहाँ पर इसका नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं उनमें सबसे देखा जाए तो विस्तृत समुद्री सतह के साथ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान की स्थितियां होने पर इन चक्रवातों के सबसे अनुकूल परिस्थितियां होंगी। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कोरियोलिस बल की उपस्थिति भी होती है इस तरह के चक्रवातों में और कमजोर निम्न दाब वाले क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण का पहले से मौजूद होना भी इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी अपसरण भी यहां पर इसके कारण होते हैं। तो यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने देखा। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO की यहाँ पे कार्यकारी परिषद ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के निगरानी संरचना योजना का यहाँ पे आपको देखा जाए तो समर्थन किया है। क्या है योजना और क्या है इस संगठन के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर GGGMI का जो उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को किस तरीके से हम उसकी सूचनाओं को कैसे कलेक्ट करना है, उसमें कैसे कटौती करनी है, इसको किस तरीके से कार्यवाही इस पर किया जाए, इसको लेकर उन्होंने अपना एक समर्थन दिया है, प्लान यहाँ पर दिया है कि ग्रीन हाउस गैस जो है ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर तापवृद्धि में देखिए योगदान देती है जो ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे आपको कारण बनती है। वर्तमान में देखा जाए तो इसके कारण आपको स्थली और अंतरिक्ष दोनों स्तरों पर आधारित ग्रीन हाउस गैस पर्यवेक्षण या प्रतिरूपण उत्पाद यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जिसका व्यापक रूप से एवं समय पर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान किया जा सके। इस संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे 4 घटकों को शामिल किया है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड के सांद्रता स्थल आधारित उपग्रह आधारित पर्यवेक्षणों एवं वैश्विक सेट को यहाँ पर तैयार किया जाएगा।
इनकी गतिविधियों संबंधी डेटा प्रक्रिया आधारित मॉडल्स के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक हाई रिजोल्यूशन पृथ्वी मॉडल्स का एक सेट भी यहाँ पर आपको तैयार किया जाएगा। चलिए इसके साथ साथ अगर देखें यहाँ पर तो ऐसी यहाँ पर डेटा समावेशन प्रणालियां विकसित की जाएंगी जो कि पर्यवेक्षणों का आदर्श गणनाओं के साथ बेहतर ढंग से यहाँ पर जोड़ने का काम करेगी। तो नए प्रकार की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में बेसिकली आपको जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा डाटा यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। फैक्चुअल चीजें कुछ भी पूछी जा सकती हैं। देखा जाए तो ऐसी जो गैसें हैं वायुमंडल में जो ऊष्मा को रोक देती हैं, जो हम जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी की सभी यहाँ पर देखे जाए तो आपको ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर आपको बोली जाती हैं। और साथ ही साथ निचले वायुमंडल में स्थित ओजोन भी इसमें शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कई दशकों से लगातार वायुमंडल में बनी है। मीथेन ताप वृद्धि के मामले में अत्यधिक शक्तिशाली होती है, इसका जीवन काल लगभग 10 वर्षों का होता है, तुलनात्मक रूप से यहाँ पे जो कम है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों कृषि से उत्सर्जित जो नाइट्रस ऑक्साइड है तीसरी प्रबल सबसे प्रबल यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही WMO जो है वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस की उस सांद्रता को मापता है जो महासागर और जलमंडल के द्वारा अवशोषित होने के बाद वायुमंडल में बनी रहती है, ठीक है, कि जितनी ग्रीन हाउस गैस सर्जन हुई उसका जितना अवशोषण हो, अवशोषण होने के बाद जितनी बची रह जाती है उसका यहाँ पर आपको आकलन किया जाता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है और किस तरीके से काम यहाँ पर करती है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई 1950 में यहाँ पर WMO कन्वेंशन को अपनाने के बाद एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में यहाँ पर की गई। और इसकी उत्पत्ति अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई थी और इसकी स्थापना जो हुई थी 1873 में हुई। उद्देश्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के वातावरण की स्थिति का अनुमान लगाना, उसका व्यवहार भूमि महासागरों के साथ इसकी अंतःक्रिया का पता लगाना, साथ ही उसके द्वारा उत्पन्न मौसम और जलवायु संबंधी जानकारियां और इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति यहाँ पर चीजों को कार्य करना, ये सारा कुछ यहाँ पर ये संस्था देखती है। इसकी सदस्यता देखें तो 193 देश जो है इसके सदस्य हैं और राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं। भारत भी देखा जाए तो इसका एक सदस्य है। इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस इसकी सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कलक्काड़ मुंडन तुराई टाइगर रिजर्व है जो कि भारत में देखा जाए तो पहली बार यहाँ पे एक दुर्लभ पतंगा मोथ प्रजाति जिसको हम कहते हैं मिससेमिया सिलोनिका की यहाँ पर खोज की गई है। ये पतंगा की एक प्रजाति है जो कि यहाँ पर देखा जाए तो नोक्टुइडे कुल और अग्रेस्टिना उपकुल में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें तीन अभ्यारण देखा जाए तो तीन अलग अलग अभ्यारण में यहाँ पर पाए गए कलक्काड़ मुंडन तुराई और कन्याकुमारी अभ्यारण के पास। देखे जाए तो ऐसी वनस्पतियां जहां कांटेदार झाड़ियों वाले वन से लेकर हरे भरे सदाबहार वन तक यहाँ पर इनकी उपस्थिति इनकी देखी गई है। ये तमिलनाडु के तिरुनवेली और कन्याकुमारी जिलों में अवस्थित हैं और ये अंतरराज्यीय अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का भी यहाँ पर हिस्सा है। इसके अलावा ये वन्य जीव अगर देखा जाए तो इसे आपको कलक्काड़ मुंडन तुराई तो टाइगर रिजर्व में तो बाघ, तेंदुआ, सांभर, इंडियन पैगोलिन, स्लॉथ, माउस डियर, मॉन्टियर रिजर्व लिजर्ड, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये सारी यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती है, वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके बाद एक चर्चा का जो स्थल है यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मैक्वेरी द्वीप है। मैक्वेरी द्वीप के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें आपको मैं ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर इस क्षेत्र को आप यहाँ पर देखें तो ये है मैक्वेरी आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे आपको पाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मैक्वेरी जो द्वीप है ये आपका चर्चा का विषय क्यों बना है। देखिए तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया ने मैक्वेरी द्वीप को अधिक संरक्षण प्रदान करने की योजना यहाँ पे बनाई है जिसे मैक्वेरी द्वीप को एक विश्व विरासत स्थल के रूप में बनाया जाएगा। मैक्वेरी जो द्वीप है दक्षिणी महासागर में एक समुद्री द्वीप है जो तस्मानिया के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो पेंगुइन और अल्बाटॉस सहित कई समुद्री पक्षी प्रजातियों की संख्या यहाँ पर आपको पाई जाती है। इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो देखा जाए पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पृथ्वी के मेंटल से चट्टानें समुद्र तल से ऊपर यहां पर सक्रिय रूप से प्रकट होती हैं, ठीक है, ये एकमात्र स्थल है जहां पर मेंटल जो पृथ्वी का मेंटल भाग है वहां से चट्टानें सक्रिय रूप से ऊपर आती हैं। इसके अलावा मैक्वेरी जो द्वीप है समुद्र के नीचे मैक्वेरी रिज को भी यहाँ पर उजागर करती है।
यह उस जगह पर ऊपर उठा हुआ है जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक जो प्लेट है प्रशांत प्लेट से यहां पर मिलती है। तो दो यहां पर प्लेटों के सम्मिलन स्थल के क्षेत्र में यहां पर आपको पाई जाती है। इसके अलावा मैक्वेरी रिज जो है अंटार्कटिका परिध्रुवी परिसंचरण नामक धारा के पूर्व की ओर प्रवाह को यहां पर आपको बाधित भी करता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा ये आपको रिज के बारे में, मैक्वेरी द्वीप के बारे में। अगला यहां पर है अफ्रीका की रिफ्ट वैली, जो काफी यहां पर चर्चा का विषय रही है क्योंकि यहां पे जो घटनाक्रम डेवलप हो रहे हैं वो काफी यहाँ पे थोड़े से डरावने हैं, जो अफ्रीका को दो अलग पार्ट में डिवाइड करने की बात करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि वर्ष 2020 में एक अध्ययन से पता चला कि अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे अलग होने से एक नए महासागर बेसिन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अफ्रीका धीरे धीरे यहाँ पे अलग हो रहा है और उसके बीच में जहां से अलग हो रहा वहां पे नया महासागर आपको डेवलप हो रहा है। या पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट घाटी के कारण जो 56 किलोमीटर तक फैली हुई और 2005 में इथोपियाई रेगिस्तान में यहां पर दिखाई दी थी। अफ्रीका की प्लेटों के खिसकने के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं उस पे आप अगर गौर करें तो यहाँ पर देखिए तीन प्लेटें मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक है न्यूबियन अफ्रीकी प्लेट, दूसरा सोमालियाई अफ्रीकी प्लेट और तीसरा अरेबियन प्लेट। ये तीनों देखा जाए तो अलग अलग गत से यहाँ पर विभाजित हो रही है। अरेबियन जो प्लेट है प्रतिवर्ष लगभग 1 इंच की दर से अफ्रीका से दूर जा रही है, जबकि दो अफ्रीकी जो प्लेटें हैं प्रतिवर्ष आधा इंच 0.2 इंच के मध्य और धीमी गति से यहां पर आपको अलग हो रही है। पिछले 30 मिलियन वर्षों में देखा जाए तो अरेबियन जो प्लेट है धीरे धीरे अफ्रीका से दूर हो रही है, जिसके कारण पहले से ही यहाँ पे लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हो चुका है। अब यहां पे देखा जाए तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, तो देखिए सोमाली और नूबियन जो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं और इसके कारण एक दरार यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, एक छोटे से महाद्वीप का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा जिसमें वर्तमान सोमालिया, केन्या, इथोपिया, तंजानिया के कुछ हिस्से यहाँ पर आपको शामिल होकर एक नया महाद्वीप यहाँ पर बन जाएगा। अदन की खाड़ी और लाल सागर स्थित इथोपिया के अफार क्षेत्र और पूरी अफ्रीका जो भ्रंश घाटी है वहां पर बाढ़ लाकर एक नए महासागर का निर्माण कर दिया जाएगा और इस नए महासागर के परिणाम स्वरूप पूर्वी अफ्रीका अपनी अद्वितीय भौगोलिक परिस्थिति और विशेषताओं के साथ एक अलग से यहाँ पे छोटा अफ्रीका यहाँ महाद्वीप यहाँ पर बन जाएगा। तो एक पूर्वी जो अफ्रीका है वो एक अलग महाद्वीप यहाँ पर डेवलप होगा। सोमालिया और नूबियन विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने से नया महासागर बेसिन बनने में कम से कम 5 से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5 से 10 साल लगने वाले हैं बल्कि 5 से 10 मिलियन वर्ष इसमें अभी लगने वाले हैं। वर्तमान जो कि अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ इसमें अगर भ्रंशन की प्रतिक्रिया जो हो रही है वो संभावित विखंडन वर्ष 2018 से दुनिया भर में चर्चा का विषय यहाँ पे रहा, जब केन्या भ्रंश घाटी में बड़ी दरार यहाँ पर देखी गई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये है आपकी जो स्थिति जिस क्षेत्र की यहाँ पे अलग होने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये सोमालिया प्लेट है, ये नूबियन प्लेट है और ये अरेबियन प्लेट है। ये अरेबियन प्लेट यहां से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, नूबियन जो प्लेट है वो यहां पर आपको अलग हो रही है, सोमालियन प्लेट वो यहां पर आपको अलग हो रही है। और अगर आप देखें यहां पर इस रीजन में आपको कुछ अफ्रीका का ये जो पार्ट है ये अलग होने के कगार पे, ठीक है, अफ्रीका आप ये देख सकते हैं इस पार्ट में यहां पर आपको ये पर्टिकुलर जो रीजन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे अलग होगा और ये यहाँ पे अरब जो प्रायद्वीप है ये पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा और फिर पूर्वी अफ्रीका ये अलग होगा और ये वाला अफ्रीका यहाँ से अलग होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला पार्ट भी देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको एक समस्या देखने को मिल रही है, जो एक तरीके से अलग एक स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये पूरा जो अफ्रीका है ये आपको पूरा यहाँ पे अलग हो सकता है और ये पूरा पार्ट आपको एक अलग महाद्वीप के रूप में डेवलप हो सकता है और इस क्षेत्र में देखा जाए तो आपके एक महासागर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरीके से डेवलप होने में अभी कम से कम 5 से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दरारें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात करें द ग्रेट रिफ्ट वैली, देखा जाए तो एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो उत्तरी सीरिया से लेकर पूरी अफ्रीका तथा मोजाम्बिक तक यहाँ पर फैली हुई है 64,000 किलोमीटर तक। जॉर्डन नदी इस घाटी से निकलती है और अंततः इसराइल तथा जॉर्डन के बीच यहाँ पर एक सीमा पर मृत सागर में मिल जाती है। अदन की खाड़ी की दरार की पूर्व की ओर यहाँ पर निरंतरता इसमें देखी जाती है और इस बिंदु पर दरार दक्षिण पूर्व की ओर से होकर हिंद महासागर के मध्य महासागरीय रिज के हिस्से के रूप में यहाँ पर आपको फैली हुई दिखाई देगी। जब आप इसे मैप में देखेंगे तो ये बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देता है। अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है उसको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा
काफी सारे जो फैक्ट हैं यहाँ पर आपको इंटरलेट करते हुए मिलते हैं और ये क्वेश्चन चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में देखें तो घाटी के पूर्वी दरार और पश्चिमी दरार में यहाँ पर आपको विभाजित हो जाती है। साथ ही पश्चिमी दरार जिले में अल्बर्टीन दरार के रूप में भी इसे जाना जाता है। दुनिया की जो कुछ सबसे गहरी यहाँ पर आपको झीलें देखी जाती हैं। चलिए यहां पर अगला, यहां पर देखिए तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT यहाँ पर चर्चा का विषय रहा, जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये लक्षद्वीप में हरित और स्वसंचालित अवे लवणीकरण संयंत्र यहाँ पर स्थापित करने की इसकी योजना है और NIOT का कम तापमान वाली थर्मल विलवणीकरण तकनीक का उपयोग कर लक्षद्वीप के 6 द्वीपों जो पीने योग्य पानी को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन मुक्त बनाने की कोशिश भी की जा रही है। वर्तमान में देखा जाए तो अलवणीकरण जो यंत्र है इनमें प्रत्येक प्रतिदिन का कम से कम 1 लाख लीटर पीने का पानी योग्य प्रदान करता है और डीजल जनरेटर सेट के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो जो समुद्री जो खारे पानी है उसको यहाँ पर अलवणीकृत करके उसे पीने योग्य पानी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और लक्षद्वीप के 6 द्वीपों को यहाँ पर इस तरह का पानी फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस है जो कि एक कह सकते हैं संयंत्र है और इस प्रक्रिया के एक माध्यम से यहाँ पर आपको लवणीकरण जो आपको पानी है जो सॉल्ट वाटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है सॉल्ट वाटर है। यहाँ सेमी पेरिम्ब्रियल मेम्ब्रेन यहाँ पर एक लगाई जाती है जिसके कारण जो लवण होते हैं वो छन जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर फ्रेश वाटर आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको जल को जो है लवणी जल को अलवणी जल के रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पे समझ लीजिए। जो प्रस्तावित विलवणीकरण यहाँ पर आपको संयंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए सौर पवन तरंग ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का यहाँ पे संयोजन किया जाएगा और समुद्री जल को अलवणीकृत करने और पीने योग्य जल के उत्पादन के संदर्भ से देखा जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इसमें NIOT एक ऐसे द्वीप में संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उच्च संभावना और अपनी तरह का यह पहला संयंत्र होगा। स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा, हरित ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होगा और साथ ही साथ समुद्र से पीने के लिए जल भी यहां पर उत्पन्न करेगा। तो यहां पर आपको कई सारे फायदे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया यहाँ पे चर्चा का विषय रहा क्योंकि जोशीमठ के जैसे हमने संदर्भ को देखा भी था। देखिए हाल ही में यहाँ पे इसरो के द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को यहाँ पर जारी करता है और इसमें यहाँ पर कुछ हॉटस्पॉट की यहाँ पर पहचान भी की गई है। ये देखा जाए तो सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा अधिग्रहण प्रसंस्करण संग्रहण विभिन्न उपयोगकर्ताओं के प्रसार हेतु यहाँ पर कार्य करेगा। इस एटलस के संदर्भ से अगर हम देखें तो पहली बार वैज्ञानिकों ने देश का यहाँ पे लैंडस्लाइड एटलस बनाया जो 17 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों को इसमें शामिल करता है और 1998 से लेकर 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए करीब 80,000 भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर यहाँ पे जोखिम का आकलन किया गया है। 2013 में देखा जाए तो केदारनाथ आपदा और 2011 में सिक्किम भूकंप के कारण भूस्खलन जैसी सभी मौसमी घटना आधारित भूस्खलनों का भी मानचित्रण करते समय इसरो के उपग्रह डेटा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय भूस्खलन डेटा भूस्खलन को मौसमी 2014-2017 के मानसून मौसम घटना आधारित मार्ग आधारित 2000 से लेकर 2017 में यहां पर वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए इस एटलस में जो आपको रिपोर्ट्स आई हैं जो डेटा यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार उत्तराखंड केरल और जम्मू कश्मीर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड अरुणाचल प्रदेश 1998 से 2022 के दौरान देखा जाए तो सर्वाधिक यहां पर भूस्खलन की घटनाएं देखी गई हैं। इसके अलावा जो सर्वाधिक भूस्खलन वाले राज्यों की जो सूची यहाँ पर है उसमें पहला स्थान मिजोरम का है जिसमें 25 वर्षों में करीब 12,385 भूस्खलन की घटनाएं देखी गई हैं और जिनमें से केवल 2017 में करीब 8,926 घटनाएं घटित हुई थी। इसके अलावा मिजोरम के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है 11,219 घटनाएं हैं, उसके बाद केरल का स्थान इसमें आता है तीसरे नंबर पे। अभी हाल ही में हमने देखा था जोशीमठ में जो रिकॉर्ड की गई हाल ही में भू अधिगमन की जो घटनाएं हैं भूस्खलन के प्रति उत्तराखंड की भेद्यता को यहाँ पर उजागर करता है। देखा जाए वो भू धसाव की घटना थी जोशीमठ में और यहाँ भूस्खलन की यहाँ पे बात की जा रही है लेकिन उसी के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। अधिकतम भूस्खलन जोखिम जिले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 16 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक भूस्खलन घटनाएं हो सकती हैं। केरल में 14 है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में 13 है, हिमाचल प्रदेश असम महाराष्ट्र में 11 है, मिजोरम में 8 है और नागालैंड में आपको देखे जाए तो ऐसे 7 जिले शामिल हैं।
देश में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन का यहाँ पर खतरा है। तो अपने आप में देखें तो ये जो डेटा है इनको ध्यान रखिएगा, भूस्खलन का डेटा आया हुआ है, काफी सारे फैक्ट यहाँ पर हैं, इनको अच्छे से देखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपको दिखाया गया था भारत के भूस्खलन की घटनाग्रस्त स्थिति से, ये लैंडस्लाइड आपने उत्तराखंड के संदर्भ से देखी है, ये जो रेड सर्कल से आप देख रहे हैं ये सारे जो क्षेत्र हैं वो भूस्खलन के संदर्भ से सर्वाधिक यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर आपको जिले या क्षेत्र आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं राज्यों के द्वारा आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा यहाँ पे घोषित करने की मांग, क्योंकि आकाशीय बिजली लगातार आपको देखा जाए तो कई क्षेत्रों कई राज्यों में लगातार घटना होती है, उससे काफी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए, जब हम आपदा की बात करते हैं, आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो आपदाओं के तौर पर किसे माना जाए आपदा है और किसे नहीं माना जाए, इसके संदर्भ में यहाँ पे अलग अलग तर्क है। और हाल ही में देखा जाए तो आकाशीय बिजली को इसमें शामिल करने की मांग की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है और इससे संबंधित डेटा को भी देखते हैं। देखिए कुछ राज्यों के द्वारा मांग की गई कि आकाशीय बिजली को यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया जाए, और जो कि देखा जाए कि भारत में किसी अन्य आपदा की तुलना में इससे होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक होती है। वर्तमान मानदंडों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला, शीतलहर इत्यादि को यहाँ पे आपदा माना जाता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत कवर किए जाते हैं, जिसके लिए केंद्र के द्वारा यहाँ पर 75% यहाँ पर वित्त पोषण किया जाता है। आकाशीय बिजली के बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप एक इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आकाशीय बिजली के संदर्भ से है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है जो कि यहाँ पर आपस में के कारण यहाँ पर आपको ये डेवलपमेंट होती है। देखिये होता क्या है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, बिजली आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें बादल और जमीन के बीच बहुत कम अवधि एवं उच्च वोल्टेज विद्युत का एक निर्वहन की प्रक्रिया होती है, अर्थात बादलों से एक बिजली कड़कती हुई आपको पृथ्वी पर जमीन पर गिरती है और उसके दायरे में आने वाले यहाँ पर चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, वहां पर उनकी डेथ भी हो जाती है। इसमें देखा जाए तो तीव्र चमक आपको देखने को मिलेगी, तेज गरज और दुर्लभ अक्षरों पर तड़ित झंझा के रूप में हम इसे देखते हैं, अर्थात एक थंडर स्टॉर्म की एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बादल और जमीन के बीच यहाँ पे आकाशीय बिजली की जो घटना है वो खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसके उच्च विद्युत वोल्टेज और करंट के कारण लोगों की जान यहाँ पे जा सकती है, जबकि बादल या बादलों के बीच उत्पन्न आकाशीय बिजली दृश्यमान और सुरक्षित रहती है। तो जो बादलों तक है वो सुरक्षित है, लेकिन जो बिजली आपको जमीन पे आती है वो यहाँ पर आपको नुकसानदेह होती है। अब यहाँ पे आकाशीय बिजली को जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी संदर्भ से भी हम इसे जोड़कर एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अनुसार वर्ष 2015 के एक अध्ययन में यह बताया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बिजली गिरने की जो आवृत्ति है वो 12% तक यहाँ पे बढ़ जाती है। मार्च 2021 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में जारी बताया गया कि जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक में बिजली गिरने में वृद्धि के मध्य ये संबंध आपको ऑलरेडी पाया गया है। भारत में अगर हम आकाशीय बिजली की बात करें तो बिजली गिरने पर प्रकाशित लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के मध्य बिजली गिरने की करीब 1,85,00,000 घटनाएं देखी गई, जो कि अपने आप में देखिए तो बहुत ज्यादा है, और प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से करीब 2500 से ज्यादा भारतीयों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। दिल्ली स्थित भूस्थानिक अभियांत्रिकी समाधानों में विश्व में अग्रणी है और इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के वर्षों में आकाशीय बिजली के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, कहां पर कौन से राज्य प्रभावित हैं, मौतें हुई हैं या किस तरह का घटनाक्रम होता है, इस तरह की चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं हिमनदों का पीछे हटने की घटनाएं, ये क्या है। हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर जो है, हिमनदों के हाल के अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि आपको पर्वत श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों के पीछे हटने की जो दर है वो द्रव्यमान संतुलन व्यापक परिवर्तनशीलता कारण मुख्य रूप से यहाँ पर आपको स्थलाकृति और जलवायु इसके लिए यहाँ पर आपको जिम्मेदार है। ये भी कहा गया कि ग्लेशियरों के परिवर्तनीय वापसी जो दर है वो अपर्याप्त सहायता क्षेत्र डेटा ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को एक सुसंगत तस्वीर विकसित करने के संदर्भ में यहाँ पे चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है। साथ ही ये भी कहा गया कि हिमनद गतिकी को प्रभावित करने के पीछे कई कारकों की चर्चा की गई है, जैसे कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यहाँ पर कहता है कि वर्ष 1971 से 2019 के बीच अगर हम देखें तो हिमनद के परिवर्तन के जो तुलनात्मक अध्ययन है वो अलग अलग अगर हम करके भी देखा जाए तो दो हिमनद खासकर पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है
और डुरुंग डुंग ग्लेशियर, ये भी जो लद्दाख में है, इन पर यहाँ पे अध्ययन किया गया। और कहा गया कि देखिए, टीम ने देखा जाए तो जो ग्रीष्म ऋतु के समय में जो अध्ययन यहाँ पर आपको पाया गया कि हिम या जो बर्फ है के द्रव्यमान में आपको कमी देखने को मिली, और इसके मलबे के आवरण के प्रभाव में एवं ग्लेशियरों के टर्मिनस रिसेशन अर्थात पीछे हटने का यहाँ पर इस दौरान मूल्यांकन किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि ग्लेशियर के पीछे हटने की जो दर है, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर के स्थलाकृति, अवस्थिति, आकार की इत्यादि के द्वारा यहाँ पर नियंत्रित हो रही है। उन्होंने कहा कि मलबे के परत की मोटाई जलवायु के प्रति हिमनदों की जो प्रतिक्रिया को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित भी करती है, और तुंड ज्यामिति, हिमनदों का आकार, ऊंचाई सीमा, प्रवणता, स्वरूप, मलबे के आवरण के साथ साथ सुप्रा और प्लोगेशियल झीलों की उपस्थिति जैसे अन्य कारक भी आपके विषम हिमनदों की गतिशीलता को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो गतिशीलता था हिमनदों की जो कह सकते हैं स्थिति है, गतिशीलता है, उनके पीछे हटने की दर है, सिकुड़न है, उसके पीछे यहाँ पर जो भी रीजंस हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि हिमनद निवर्तन होता क्या है। देखिए, हिमनदों को पीछे हटना हिम संचय में कमी या हिम विगलन की एक स्थिति है, और इसके साथ हिमनदों के सिकुड़ने और उनके आकार में कमी की प्रक्रिया को ये बताता है। इसके अलावा ताजे जल की कमी पर बढ़ती चिंताओं को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आपको की गई है। क्या है ताजे जल की कमी को लेकर समस्याएं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ताजे जल की जो कमी यहाँ पर आपको बताई जा रही है, जो पीने का पानी होता है उसके संदर्भ, अब यहाँ पे क्या डेटा है तो हाल ही में देखा जाए तो सर्किल ऑफ ब्लू एंड वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, जिसको हम WWF के नाम से भी जानते हैं, ने एक वैश्विक अध्ययन में बताया है कि 31 देशों के लगभग 30,000 लोगों का सर्वेक्षण करके ताजे जल की कमी की एक स्थिति का यहाँ पर विश्लेषण किया गया, और जो कि वैश्विक स्तर पे किया गया, न सिर्फ यहाँ पे भारत के स्तर पर। डेटा कहता क्या है? डेटा कहता है कि अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, कोलंबिया, जर्मनी और पेरू के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जल की कमी में सबसे अधिक यहाँ पर वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पानी का यहाँ पे समय कमी आई है वो यहाँ पर इन कह सकते हैं कि राज्य देशों में है। 30% लोग ताजा जल की कमी के कारण प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, अत्यधिक प्रभावित हैं। 17 देशों में ताजा जल की कमी संबंधी चिंताएं वर्ष 2014 के 49% से बढ़कर 2022 में ये 61% तक हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 28%, कस्बों और उपनगरीय क्षेत्रों में 26% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 32% ताजा जल की यहाँ पर कमी बहुत अधिक यहाँ पर प्रभावित होने की संभावना है। अर्थात सबसे ज्यादा जो ताजे जल की कमी की समस्या से प्रभावित होगा वो शहरी क्षेत्र होगा, और वो भी करीब 32%। इसके अलावा 38% लोगों का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन से व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने जलवायु परिवर्तन से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होने का दावा किया, उन्होंने सूखे को इसके सबसे चिंताजनक प्रभाव के रूप में यहाँ पे अनुभव किया है। भारत में अगर देखा जाए ताजे जल की स्थिति क्या है, तो देखिए, भारत में हमेशा से ताजा जल का संकट रहा है, और भारत विश्व की जनसंख्या करीब 16% हिस्सा है, लेकिन देश के पास अगर देखें तो विश्व के ताजा जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। नीति आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय अत्यधिक जल का संकट का सामना करते हैं, और उत्तर भारत देश का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर 2060 तक गंभीर अपरिवर्तनीय ताजा जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जलवायु परिवर्तन कारण महत्वपूर्ण संसाधन की उपलब्धता में कमी भी आ सकती है। चलिए, अगला यहाँ पर न्यूज है मन्नार की खाड़ी में कोरल यहाँ पे ब्रीच के बारे में। हाल ही में देखा जाए तो मन्नार की जो खाड़ी है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पर निर्माण करने वाले करीब 21 निर्जन द्वीपों में से एक कुरुसादाई, कुरुसादाई जो कि यहाँ पे तमिलनाडु में आपको पड़ता है, के पास एक मृत प्रवाल भित्तियां आपको देखने को मिली। कैसी मृत प्रवाल भित्तियां? कहां पर? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। अब इस क्षति के पीछे का जो प्राथमिक कारण बताया गया है वो है कप्पा फाइकस अल्वारेजी, प्रजाति का नाम रखिएगा, ठीक है, कप्पा फाइकस अल्वारेजी है, जो कि एक सी वीर प्रजाति अर्थात एक समुद्री शैवाल है, को व्यवसायिक कृषि हेतु लगभग 2 दशक से पहले यहां पर इसे पेश किया गया था। सीवीड के बारे में चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है सीवीड। देखा जाए तो ये समुद्री शैवाल है जो पौधों की कई प्रजातियों को यहाँ पर दिया गया एक नाम है, और ये नदियों, समुद्रों और महासागर जैसे जल निकायों में यहाँ पर उगते हैं। ये आकार में भिन्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, सूक्ष्म से बड़े जंगलों के रूप में ये जल के नीचे यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। सीवीड देखे जाए दुनिया भर में तटों पर पाए जाते हैं, लेकिन एशियाई देशों में अधिक यहाँ पर आपको उगता है।
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी बीट की एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये रीजन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सी बीट के यहाँ पर आपको क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में आपको सी बीट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगले कुरुसडाई पुरमपिच्चम मुल्ली वलाई थलायारी ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जो लेथल स्प्रेड है आपको इन क्षेत्रों का जो सी बीट के प्रजाति का वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहां पर देख लेते हैं। देखिए भारत में सीवीट के उत्पादन की एक स्थिति को भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या है यहां पर भारत में सीवीट के उत्पादन की स्थिति के बारे में। देखिए इसमें भारत में देखा जाए तो वर्ष 2021 में लगभग 34,000 टन सीवीट की खेती यहां पर केंद्र ने वर्ष 2025 तक सीवीट के उत्पादन को 11.85 मिलियन टन करने हेतु 600 करोड़ भी आवंटित किए। तो इसकी खेती के उत्पाद और भी ज्यादा यहाँ पर करने की बात की जा रही है, इसे और भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। वर्तमान देखा जाए तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम के 18 गांवों में लगभग 750 किसान सीवीट का मुख्य रूप से कप्पा फाइकस की खेती में यहाँ पर लगे हुए हैं, वर्तमान समय की स्थिति है। और साथ ही तमिलनाडु के प्रस्तावित सीवीट पार्क में भी इसकी खेती किए जाने की भी यहाँ पे संभावना है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और कंपनियां कप्पा फाइकस की खेती में वृद्धि हेतु यहाँ पे कार्यरत है, और लाभ एवं आजीविका में सुधार हो सके इसके संदर्भ में। इसके अलावा भारत के कप्पा कैरिजीनन के आयात को भी यहाँ पर कम किया जा रहा है। अब यहाँ पे कप्पा फाइकस अल्बारेजी समुद्री शैवाल प्रजातियों के प्रभाव की स्थिति को भी हम देख लेते हैं। देखिए कप्पा फाइकस अल्बारेजी समुद्री शैवाल की जो प्रजातियां हैं ये तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के 21 द्वीपों में से 6 द्वीपों तक यहाँ पर विस्तारित है, और इसने कुरुसादाई के पास जाने वाले प्रवाल भित्तियों को काफी यहाँ पर क्षति पहुंचाई है। साथ ही देखा जाए तो इसने हवाई में नारियल द्वीप, वेनेजुएला में क्यूबागुआ द्वीप, तंजानिया में जंजीबार, पनामा तथा कोस्टारिका में आपको देखा जाए तो अल्मीरांट एवं क्रिस्टोबल को भी काफी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। तो कई क्षेत्रों में, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में स्थिति है, ये विश्व के कई अलग अलग देशों और द्वीप समूहों में यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने कप्पा फाइकस अल्बारेजी को विश्व की 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक के रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा मन्नार की खाड़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये एक भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना है। देखिए मन्नार की जो खाड़ी है वो पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार के रूप में इसे देखा जाता है। ये उत्तर पूर्व में देखा जाए तो रामेश्वरम जो द्वीप है, एडम्स राम ब्रिज जो है, राम सेतु जिसे हम कहते हैं, और शोलों की श्रृंखला और मन्नार द्वीप से घिरी हुई यहाँ पर आपको पाई जाती है। इसमें कई नदियां मिलती हैं जिसमें हम ताम्रपर्णी जो भारत में है और अरुवी जो श्रीलंका में है ये आपको इसमें शामिल है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए भी यहाँ पर आपको विख्यात है। मन्नार की खाड़ी जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर भी घोषित किया गया है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में की गई। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर इसको घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो लगभग 162.89 वर्ग किलोमीटर तक का इसका क्षेत्रफल है। साथ ही देखा जाए इस समुद्री आप कह सकते पारिस्थितिक तंत्र में आपको कौन कौन से आपके जीव जंतु या कह सकते हैं कि किस प्रकार के जैव विविधता है, तो यहाँ पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, मैंग्रोव वन है, आपको मडफ्लेट्स हैं, खाड़ियां हैं, समुद्री घास है, समुद्री शैवाल है, ज्वार नदमुख है, रेतीले समुद्री तट हैं, खारे घास के मैदान हैं, दलदली क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ चट्टानी किनारे भी आपको अवस्थित देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में जैव विविधता आप यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस स्तर की है। चलिए इसके बाद एक नदी फिर से यहाँ पर देखा जाए, चर्चा का विषय रहे गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ ही 2 घाटों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार भैंसालोटन बैराज से लेकर के बिहार के घाजीपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम स्थान तक गंडक नदी को देश भर के 111 अन्य यहाँ पर नेशनल वाटरवेज के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 37 के रूप में यहाँ पे नामित किया गया था। तो देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 37 यहाँ पे नाम दिया गया है। थोड़ा सा गंडक नदी के बारे में यहाँ पर यह भी पता रखिएगा, देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं गंडक नदी की। गंडक नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसमें मायागंडी, बारी, त्रिचूली, पांचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक इत्यादि यहां पर शामिल है। ये आप यहां पर क्षेत्र इसमें देख सकते हैं जो कि आपको नदियों का पूरा रीजन है ये, ठीक है। ये आपकी चाइना, नेपाल और बाकी अन्य जो देश हैं यहाँ पर आपको ये जो रीजन आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपको इसके
गंडक नदी की विस्तारित स्थिति के बारे में बताया गया, जहां पे इसे जोड़े जाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिहार में आप इसे देखते हैं। चलिए, इसके बाद गंडक नदी से संदर्भित कुछ तथ्यों की मैं आपको बता दूं कि जो एस्पेक्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। लाइक सबसे पहले देखिए, गंडक नदी को नेपाल में गंडकी नारायणी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा, बिहार में देखा जाए तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व इस नदी के तट पर ही यहाँ पर आपको स्थित है। स्रोत अगर देखा जाए तो गंडक नदी जो है नेपाल सीमा के पास स्थित तिब्बत में धौला घिसी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से करीब 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक यहाँ पर विस्तृत है। भारत में इसका विस्तार करीब 445 किलोमीटर है और नेपाल में करीब इसका 185 किलोमीटर का विस्तार है। जल निकासी बेसिन के संदर्भ में अगर हम देखें तो गंडक नदी का जो कुल जल निकासी बेसिन क्षेत्र है वह 29,705 वर्ग किलोमीटर का है। इसके साथ साथ ये नदी जो है भारत के बिहार उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंडक नदी से संबंधित जो भी यहाँ पे तथ्य थे, फैक्चुअल डेटा था, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन रिवीजन करना यहाँ पे आपका काम। चलिए, एक और यहाँ पे फैक्ट है, विश्व गौरैया दिवस। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको वन लाइनर के संदर्भ से पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिये, विश्व जो गौरैया दिवस है ये 20 मार्च को यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और यह गौरैया के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यहाँ पर नामित किया गया है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो विश्व स्तर पर गौरैया की संख्या में यहाँ पर कमी आपको देखने को मिली है। ये छोटा सा पक्षी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गौरैया के नाम से हम इसे जानते हैं, बहुत कम आजकल सिर्फ गाँव में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बहुत कम यहाँ पर इनकी स्थिति है। विश्व गौरैया दिवस 2023 की जो थीम है उसको ध्यान रखिएगा, आई लव स्पैरो। ठीक है, क्या रही है थीम? आई लव स्पैरो। और जिसका उद्देश्य यहाँ पर देखा जाए तो मानव और गौरैया के बीच के संबंधों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तिरुवंतपुरम शहर में गौरैया की आबादी में उल्लेखनीय यहाँ पे कमी दर्ज की गई है। इसकी जनसंख्या में गिरावट का चरण कारण जो है वो गर्मी और शहरी क्षेत्र में भोजन की अनुपलब्धता को माना गया है। चलिए, एक यहां पर है लास्ट एक सेगमेंट, कई बार दर्रे से रिलेटेड जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहां पर चर्चा का विषय क्यों बना है, तो जो जिला जो दर्रा है वो यहां पर देखा जाए तो करंट में यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जो जिला जो दर्रा है, राजधान दर्रा को अल्प शीतकालीन बंद के बाद यहाँ पर पुनः खोला गया है, और इससे रिलेटेड कुछ और तथ्यों के बारे में बता दूं। देखिए, सीमा संगठन सड़क संगठन जो है, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या BRO के नाम से हम जानते हैं, ने घोषणा की है कि ग्रेटर हिमालयन रेंज में 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित रणनीतिक जो जिला दर्रा सर्दियों में बंद होने के बाद पुनः खोला जाएगा। इसी तरह गुरेज सेक्टर में कश्मीर घाटी को जोड़ने वाले राजदान दर्रे को सर्दियों के बाद पूरा खोला जाएगा। तो यहाँ पर कई बार जो ये दर्रे होते हैं, तरीके के मार्ग हैं जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किस किस क्षेत्र को यहाँ पर जोड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजदान दर्रा और जो जिला दर्रा यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे को या किन किन क्षेत्र को जोड़ते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट बीकन और विजय के तहत दर्रे के दोनों ओर की बर्फ हटाने का यहाँ पर अभियान चला गया है, तो प्रोजेक्ट बीकन इसके लिए स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जोजिला दर्रा की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जोजिला जो दर्रा है लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है और एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है लेह श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो जोजिला दर्रा है। साथ ही यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग भी है। ये सर्दियों में यहाँ पर देखा जाए तो भारी बर्फबारी होती है, उसके कारण बंद हो जाता है और लद्दाख का क्षेत्र कश्मीर से संपर्क कट जाता है। इसके अलावा जोजिला जो सुरंग परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई, यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी और सामरिक द्विदिशात्मक सुरंग है जो श्रीनगर कारगिल और लेह के बीच पूरे वर्ष यहाँ पे संपर्क प्रदान करती है। इसके अलावा ये जहां पर आप फैक्ट है लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं कुछ आपको भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर स्थित है उनके बारे में उस तथ्य में बता दूं, जैसे कि पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंग ला दर्रा हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा यहां पर बन गया है, जो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाया गया है। दूसरा, लेख दर्रा उत्तराखंड के यहां पर में यहां पर आपको पाया जाता है, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन के निकट यहां पर आपको स्थित है। ठीक है,
तो लिपुलेख यहाँ पर आपको जो दर्रा है वो इंडिया चाइना और उनके संदर्भ से यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर इस साइड आप नेपाल पाएंगे, इधर आपको चाइना है और इधर आपका इंडिया है। तो ये लिपुलेख जो दर्रा है ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसके अलावा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम है, भारत तिब्बत सीमा पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिक्किम का जो एरिया है ये है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला और जलेपला और नाकुला, ये तीनों आपको सिक्किम के क्षेत्र में पाए जाने वाले आपके कह सकते हैं कि दर्रे हैं, जिसमें से नाथुला जो है वो भारत तिब्बत सीमा पर आपको स्थित है। यह भारत और चीन के बीच तीन खुले व्यापारिक दर्रों में से एक है। अन्य जो दो दर्रे हैं, एक सिपकला दर्रा है, दूसरा लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। तो तीन जो दर्रे हैं जो भारत चाइना के मध्य यहाँ पर व्यापारिक संदर्भ से खुलते हैं, एक तो हमने देख लिया उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा है, दूसरा यहाँ पर सिक्किम के पास हमने देख लिया जो की नाथुला दर्रा है, और तीसरा हमने यहाँ पर देखा सिपकला यहाँ पर दर्रा है। तो तीनों ही जो दर्रे हैं वो यहाँ पर आपको खुलते हैं भारत और चाइना के संदर्भ से, यहाँ पर किसी भी तरीके के व्यापार के संदर्भ से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और भी क्या है। सिक्किम में स्थित नाकुला जो दर्रा है, हाल ही में एलएसी पर भारत चीन गतिरोध के कारण यहाँ पे खबरों में रहा, काफी सारा एक विवाद की स्थिति बनी थी। कह सकते हैं कि दोनों ही देशों की सेनाओं के जो अधिकारी थे वहां पर आपको उनके मध्य यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिली। इसके अलावा जोजिला तो जो दर्रा है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और इसे माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स अर्थात बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रे के रूप में हम इसे जानते हैं। जोजिला जो सुरंग है एशिया की सबसे लंबी सुरंग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके अलावा डुंगरीला या माना दर्रा भारत और तिब्बत को यहाँ पर जोड़ता है और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में ही यहाँ पर आपको स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इस रीजन में ये है माना पास, ठीक है। तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्थिति जो है आपको मुलिंगला है, माना पास है, इसके अलावा मंगसा दर्रा है, नीति पास है, लिपुलेख है और ट्राली पास है, ये सारे के सारे आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि तिब्बत को जोड़ता है ये डुंगरीला या फिर हम माना दर्रा इसे कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, यहाँ तक कि भारतीय नागरिकों को भी इस दर्रे से यात्रा करने के लिए सेना से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर भारतीय नागरिक भी इस क्षेत्र में नहीं जा सकते बिना अनुमति के। रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति की घाटियों को यहाँ पर आपको जोड़ता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ये पीर पंजाल पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बनिहाल पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, बारालाचा, देवा पास, रोहतांग पास, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सिप किला, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के रीजन पे आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट सबसे बड़ा जो दर्रा है तमिलनाडु से सटे केरल में है, जिसे हम पलक्कड़ या पालघाट कहते हैं, ये वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा पास यहाँ पर है। तो ये भारत में पाए जाने वाले सभी यहाँ पर दर्रों की जानकारी इसमें दी गई है। तो एक बार मैं आपको जाते जाते इन दर्रों के नाम राज्यों वाइज में आपको बता देता हूँ, बेसिकली आप वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखिए यहाँ पर है एक बोमडिला दर्रा है, इसके अलावा योंगप्पा पास है, दिहांग पास है, दीपहर पास है, कुम जवांग पास है, चकन पास है, लेखा पानी पास है और होपुंग पनघन पास यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको देखे जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नाकुला, जपलेला और आपका नाथुला है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको उत्तराखंड का हमने देख लिया था। उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर आपको देखे जाए तो हमने यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का बताया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख के रीजन में लंकला है, पेनिसिला है, चांगला है, इमिसला है, उमलिंगला है, काराताह पास है, अगहिल पास है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आपको जम्मू कश्मीर का जहाँ पे जम्मू और कश्मीर के रीजन में अगर हम और भी देखें तो यहाँ पे पारपिक है, कुंजरेब पास है, अगहिल पास है, इसी तरह मिंटाका पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खरदुंगला यहाँ पे पास आपको देखने को मिलेगा, जोजिला यहाँ पर है, ये देख सकते हैं इस एरिया को। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं बुर्जिल पास आपको है, पीर पंजाल है, बनिहाल पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप राजस्थान के रीजन में अगर हम देखें तो गोरम घाट और हल्दी घाटी यहाँ पर आपका जो रीजन पास है ये दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
इसके साथ साथ अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे आसिर घाट, यहाँ पर आपको एक दर्रा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में आप देखें तो यहाँ पे काफी सारे आपको घाट देखने को मिलते हैं, कासरा घाट, मलसेज घाट, भोर घाट, नाने घाट पास और कुंभारली घाट पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आपको यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात गोवा के यहाँ पे बॉर्डर पर भी है, चोरला घाट पास, और सबसे लास्ट में यहाँ पे है पाल घाट। ये सारे के सारे यहाँ पे जो दर्रे हैं जो कि आपको पाए जाते हैं सॉरी पूरे भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, कौन किसको जोड़ता है उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य भी हमने आपको फैक्चुअल डेटा के रूप में बता दिया। तो ये आज का ये अंतिम वीडियो था ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक यहाँ पे जो भी वीडियो आपको मिल गई है इनको पढ़ते चलना है। देखिए यहाँ पे आपको एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी की यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हम पॉलिटी को लेकर स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे घटनाक्रम को देखेंगे। तब तक आपका काम है पूरा पढ़ना, रिविजन करना और यहाँ पर साथ साथ इसके जीएस के एस्पेक्ट को भी डिस्कस करके उसको भी यहाँ पे पढ़ना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। चीजें जो भी हैं और जो भी जैसे आपको लग रहा है आप उसे बता सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन, कोई दुविधा, डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।